हेलो दोस्तों, गुलशन कंस्ट्रक्शन दोस्तों आपका स्वागत है। आज के दोस्तों वीडियो का टॉपिक हमारा है बाथरूम की वॉल कैसे लगाना चाहिए और पहले कौन सी दीवार लगानी चाहिए ताकि हमारा काम परफेक्ट हो, ताकि शाम जब कोई भी चीज़ दिक्कत हमारी नहीं आए बाथरूम में। तो आपको पहला काम दोस्तों करना, जो सामने की दीवार होती है आपकी, जो दरवाजे के सामने जब एंट्री करते हैं तो अंदर के सामने की दीवार जो होती है वॉल, पहले आपको उसी को लगाना चाहिए ताकि आपकी जो साइड जब दीवार और टाइल जब लगाए सामने की जो है झीरी होती है जो वो जॉइंट नहीं दिखना चाहिए आपको। देख सकते हैं सामने जब लगेगा तो दिखेगा नहीं। और वाटर लेवल को खास कर ध्यान देना आपको, ताकि वाटर लेवल ध्यान देंगे सही से लगाएंगे तो काम परफेक्ट होगा और सही से होगा। तो हम तो ज़्यादातर दोस्तों हाथ लेवल से इस्तेमाल करते हैं, साहौल वाला कम, दूरी वाला से कम देखते हैं, ज़्यादा इसी से लगाते हैं, किसी से काम परफेक्ट होता है। देख सकते हैं सामने जॉइंट नहीं दोस्तों दिख रहा है, छिप जाता है, तो काम बिल्कुल परफेक्ट होता है आपका। बस लेविल और साहोल आपका परफेक्ट होना चाहिए तो काम आपका सही होगा और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लाइन भी आपको मिला के चलना बिल्कुल, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए लाइन आपकी दोस्तों। तो हमारा दोस्तों काम करने तरीका ऐसे ही है, हम इसी तरीके काम करते हैं। अगर काम हमारा अच्छा लग रहा हो आपको, काम करने तरीका अच्छा लग रहा हो, तो अगर चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर दोस्तों करें, ताकि हमेशा जब हम वीडियो अपलोड करेंगे जब भी नया, तो आपको उसकी जो जानकारी मिलती रहेगी हमेशा। पूरा वीडियो देखिए, क्लियरता देखिएगा, पूरा टाइल आपको कैसी लग रही देखने में, फिनिशिंग देखिए कितना आपको दिखेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फिनिशिंग में आपको अच्छा लगेगा आपको। उस तरीके काम करें तो कहीं काम आपका गलत नहीं होगा, कोई भी देखे काम आपका तुरंत पास हो जाएगा, आपको कहीं कमी नहीं दिखेगी। देख सकते हैं दोस्तों काम मेरा तीनों दीवार लग चुका है, तो जॉइंट देखिए दोस्तों बिल्कुल सेंटर मिला हुआ और सामने झीली नहीं दिखती बिल्कुल। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।